गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले जो हमने टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी ओनियन पील की जिसमें हमने स्टेन करा था और माइक्रोस्कोप में देखा था माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसमें हमें कई तरह की संरचनाएं देखने को मिली उन संरचनाओं में से एक संरचना थी जो उस सेंटर में थी न्यूक्लियस जो आपके सेल के सेंटर में थी डार्क कलर की आपका स्ट्रक्चर था स्फेरिकल ओवर डोट लाइक उसकी शेप थी उस स्ट्रक्चर को जो सेंटर में था न्यूक्लियस कहते हैं नेक्स्ट लाइन है आपकी न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो उसको मटेरियल को इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड उसको अंदर आने और बाहर जाने में हेल्प करते हैं और इसमें आपका क्या है इसमें आपको क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो हमें रेड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है कौन सी इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस होते हैं जो पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक आते आते हैं और ये हमें डीएनए से मिलते हैं डीएनए में होते हैं या कह सकते हो डीएनए का फुल नेम है डी न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं डी एन ए कंटेंट द इंफॉर्मेशन नेरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्गेनिक सेल डीएन मॉलिक्यूल में आपकी सूचना होती है सेल के निर्माण के लिए फंक्शन सेगमेंट ऑफ डी आर ए जीन और डी का जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम जीन के नाम से जानते हैं

क्रोमोसोम में बदलता है नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस प्ले ए सेंटर रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का एक सेंटर रोल होता है बाय द प्रोसेस बाय सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू फॉर्म्स ए न्यू सेल आपका न्यूक्लियस सिंगल सेल डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स में डिवाइड होती है और एक अप, एक सेल का मैच्योर सेल का निर्माण करती है इन सम ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया उनमें न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में भी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती या आप कह सकते हो एब्सेंस होती है इस तरह के न्यूक्लिक को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जिनकी सेल लैक हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोकैरोटिक के नाम से जाने जाते हैं। आप कह सकते हैं प्रोकैरोटिक वो ऑर्गनज होते हैं जिनमें आपकी सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है लैक होती है मतलब पुअरली डेवलप होती है तो प्रोकैरोटिक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रोमीन्स प्रिमिटिव प्राइमरी कैरो मतलब न्यूक्लियस ऑर्गन विद सेल हैवी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यू इससे जस्ट अपोजिट यू कैरोटिक वो होते हैं जिनमें प्रॉपर वे में आपकी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है तो यू कैरोटिक और प्रो कैरोटिक का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए नेक्स्ट प्रो कैरोटिक सेल लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनल्स प्रोटैर प्रो कैरोटिक -केरो सेल्स में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनल्स की भी लैक देखने को मिलता है और यही चीज यू कैरोटिक में मिलती है Many other of are का अभाव होता है ये आपकी प्रो कैरोटिक सेल है तो आप प्रो कैरोटिक सेल और यू कैरोटिक सेल के बारे में लिखेंगे नेक्स्ट आपका द क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक प्रो कैरोटिक बैक्टीरिया एसोसिएट विद दिन वेसिकल बट विद नॉट द प्लास्टिक यू कैरोटिक सेल और आप में यू e कैरोटिक में आपके प्लास्टिक होते हैं और आपके फोटो सिंथेटिक में आपके क्या होते हैं क्लोरो प्लास्ट होते हैं तो ये आपका जस्ट डिफ्रेंस हो जाएगा और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको एक डिफ्रेंस दे रखा है प्रो कैरोटिक और यू कैरोटिक सेल में तो साइज है आपका न्यूक्लियर रीजन है एक में क्लियर है एक में प्रोकैरोटिक में क्या है आपका अनक्लियर है और उसमें पूरा डिफाइंड है क्रोमोसोम सिंगल है उसमें मोर देन है मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है सेल ऑर्गन इसमें एबसेंट होते हैं और उसमें सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो ये आप शीट भी जो आपका है इसे बना लीजिए अपनी कॉपी में मैंने आपको आंसर बता दिया